टीवी शो कसौटी जिंदगी के जो अनुराग बासु थे, यानी सुजैन खान, जो कि अब लाइमलाइट में आ चुके हैं फिर से। खबर है कि वो शादी करने वाले हैं और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि उनकी जो लेडी लव है वो उत्तर प्रदेश से है। उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी हैबिट्स काफ़ी मिलती हैं और उन्होंने किस तरह से उन्हें प्रपोज भी किया है। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा सुजैन खान पर जो कि खुल रहा है। खबरें हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक वुमेन है, यूएस बेस्ड पाकिस्तानी वुमेन है जिनका नाम आयशा पिरानी है, और उन्होंने सुजैन खान पर ये आरोप लगाए हैं कि सुजैन खान ऑलरेडी शादीशुदा हैं और उनकी सुजैन खान से ऑलरेडी शादी हो चुकी है। उन्होंने ये कहा एक पोर्टल में, बातचीत में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि सुजैन खान ने उनसे ग्रीन कार्ड के लिए शादी की थी, क्योंकि वो यूएस बेस्ड वुमेन थी तो उनसे ग्रीन कार्ड के लिए उन्होंने शादी भी की थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके पैसों पर भी वो जिए हैं। आगे उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने सुजैन खान ने उन पर चीट किया है, उनको धोखा दिया है। उन्होंने बड़ी बात को एक्सपोज किया, जो लेडी हैं उन्होंने कहा कि वो अपनी फर्स्ट मैरिज से खुश नहीं थी, उसके बाद उनकी लाइफ में सुजैन खान आए, सुजैन खान ने अपना अफेक्शन दिखाया उनकी तरफ तो वो उनके अफेक्शन में आ गई और उन्होंने उनसे शादी कर ली। 2015-2017 के बीच में वो शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि जब वो उनके घर पे गई थी तो उन्होंने अपने घर पे ये नहीं बताया था कि वो शादीशुदा हैं, उन्होंने शादी कर ली है इस मोमेंट से। आगे उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि जैसे ही उनको ग्रीन कार्ड मिलने के बाद ही उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया। और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते थे और जब उनकी जो वाइफ है वो ऑब्जेक्ट करती थी, तब वो उसे फाइटिंग करना शुरू कर देते थे, लड़ाई हो जाती थी। ऐसी बड़े बड़े खुलासे जो कि आयशा पिरानी ने किए हैं सुजैन खान के खिलाफ। अब इसमें बात में कितनी सच्चाई है, हालांकि सुजैन खान का भी इस पर जवाब आया है जिसमें वो कहते हैं कि ये एक ऑब्सेसिव फैन है उनकी जो कि पब्लिसिटी पाना चाहती है उनके नाम के थ्रू, तो उनके नाम का यूज़ हो रहा है, ये एक ऑब्सेसिव फैन है। सो ये सुजैन खान का कहना है, ये रबिश रिपोर्ट्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये झूठ बोल रही है ये जो वुमेन है, ऐसा सुजैन खान का भी कहना है। अब सच क्या है ये तो अभी किसी के सामने नहीं आया है, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं ये एक बड़ी खबर जो कि सामने आ चुकी है।